हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे और मुझे बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरी किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई थी, जो कि मेरा दिल के बहुत करीब था, और मैं इसलिए बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे बहुत से मैसेज आ रहे थे कि आप कहाँ चली गई। और उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह उमरे पे चली गई थी, और उमरे से जब मैं वापस आई तो मैंने देखा मेरे 10 के सब्सक्राइबर हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे फॉलो किया, थैंक यू सो मच। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं टी केक रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन, जो कि 1 पाउंड का एक मेरे पास पैन है। अब हम इस पैन को ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे ब्रश की मदद से। अब ना हम बटर पेपर को कट कर लेंगे पैन के साइज़ का, और इसे हम पैन पे लगा लेंगे और ऑयल से अच्छी तरीके से फिर से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसे एक साइड पे रख लेंगे। अब हम एक बाउल ले लेंगे और साथ में स्ट्रेनर रख के 1 कप हम इसमें मैदा ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। इसे ऐड करने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे। अब ना हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे। ना हमें एक बाउल चाहिए और इसमें हम ऐड करेंगे एग, 4 अंडे इसमें ऐड कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम चीनी, जो नॉर्मल हम घर पे चीनी इस्तेमाल करते हैं वही इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। अब हम हैंड बीटर की मदद से इसे अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। तब तक बीट करेंगे जब तक इसकी चीनी अच्छी से मेल्ट ना हो जाए और यहाँ पर फ्लफ़ी ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर फ्लफ़ी सा हो चुका है। अब हम कोई सा भी ऑयल इसमें ऐड करेंगे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। अब हम इसे फिर से बीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बीट हो चुका है, बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो चुका है और फोमी टाइप में आ चुका है। जो हमने मैदे का मिक्सचर बनाया था वो इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम स्पैचुलर की मदद से इसे अच्छी तरीके से डायरेक्शन में फोल्ड करते जाएंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो पैन रेडी किया था उसमें सारा बैटर को ऐड कर लेंगे। तो देखिए मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया है और साथ में मैंने दरमियान में यहाँ पर स्टैंड रख लिया है। इसके ऊपर पैन का केक रखेंगे और इसे कवर करके अब हम 30 मिनट्स के लिए इसे लो फ्लेम पर इसे 30 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। देखिए अब 30 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे ना ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ना हम मेल्टेड बटर थोड़ा सा ऊपर से ग्रीस कर लेंगे इससे ब्रश की मदद से। जब हमारा केक ठंडा हो जाए ना तो नाइफ़ की मदद से इसे साइडों से कट कर लेंगे और इसे अलहदा कर लेंगे। अब हम इसे डीमोट कर लेंगे और उल्टा कर लेंगे और केक को निकाल लेंगे। ना हम इसका बटर पेपर भी हटा लेंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है, अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल में केक बनता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ये कितना सॉफ्ट और कितना नरम केक है, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप सो आज की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।